हे गाइस, सी प्रोग्रामिंग में आज हम प्रोग्राम टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ इन सी का प्रोग्राम करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नई वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स में कर रहा हूँ, आप टर्बो सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूँगा। तो include studio.h, अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी पता है। इंक्लूड, ऊपर वाले में मैंने इंक्लूड गलत लिख दिया। conio.h, तो आज का प्रोग्राम है कि स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं, मतलब जैसे कि यूजर से नाम, मतलब एक नाम दे दिया मैंने, अपना नाम दे दिया, वामसी करके नाम दे दिया, ठीक है मैंने। तो वहाँ पे वामसी में 5 मतलब कैरेक्टर आ रहा है, 5 कैरेक्टर, VAMSI, ठीक है, 5 आ रहे हैं VAMSI। जैसे कि नहीं तो कोड देता हूँ, CODE, ठीक है, यहाँ पे कोड लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर कितने हैं, C एक है, O एक है, D एक है, E एक है, 1 2 3 4, टोटल 4 है। स्ट्रिंग लेंथ का मतलब यही 4 आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, आप 4 है। बड़े बड़े प्रोग्राम में जैसे कि पूरी पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते ना, तब उसके लिए स्ट्रिंग लेंथ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ के लिए एक फंक्शन यूज़ करूँगा, तो उसके लिए हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग का मैं यूज़ करूँगा, तो उसे स्ट्रिंग डॉट एच का यूज़ करूँगा, मैं बताऊँगा आगे। तो मेन फंक्शन लेते हैं, मेन फंक्शन का यूज़ करता हूँ और लिखता हूँ। सबसे पहले मेरे को ना एक नाम तो लेना पड़ेगा ना, तो कैरेक्टर का यूज़ करता हूँ, कैर का, जिसे ना डिक्लेयर करूँगा कि जितना वैल्यू दे सकते हैं, तो 50 दे देता हूँ, जिससे यूज़र एंटर कर सकता है, 50 वैल्यू तक दे सकता है। तो प्रिंट एफ मतलब कि प्रिंट करके शो करेगा यूज़र को कि नाम दिखे, एंटर आ एंटर योर नेम लिख देता हूँ, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम लिख दिया। इसका मतलब है कि प्रिंट ब्लैक स्क्रीन में प्रिंट हो रहा है कि आपका नाम प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कि एंटर योर नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यूज़र को देखा, हाँ एंटर योर नेम, तो कि मेरे को एंटर करना है अपना नाम, तो उसको वैल्यू, जो यूज़र एंटर करेगा उस वैल्यू को लेने के लिए स्कैन एफ का यूज़ करना पड़ेगा। स्कैन एफ का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक गेट्स का यूज़ करता हूँ। गेट्स का भी सेम फंक्शनलिटी है, सेम स्कैन एफ का है, तो गेट्स में पास करूँगा एस। तो स्कैन एफ क्या है कि बड़ा परसेंटेज डी, उसके बाद एड्रेस पास करो, ऐसी ज़रूरत नहीं। स्ट्रिंग में गेट्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो प्रिंट एफ की जगह पुट्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे तो गेट्स आ गया। तो यहाँ पे एक फंक्शन है strlen, इसका मतलब स्ट्रिंग लेंथ, मतलब आपको लेंथ फाइंड करके आपको वैल्यू देगा, वो भी इंट में। तो स्ट्रिंग लेंथ आया, उसमें पास तो करना पड़ेगा किस चीज़ का चाहिए। तो मेरे को जो स्कैन कर रहा है, रीड कर रहा है, मतलब कि यूज़र ने जो वैल्यू दिया है, नहीं तो कैरेक्टर अपना नाम दिया है, जो भी है उसको लिखना है। तो इसमें आ गया, तो अब मेरे को इसको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट एफ करता हूँ, एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग इस चीज़ को ना किसी में रख देता हूँ, एल में रख देता हूँ, ठीक है, एल इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इंट का यूज़ करता है, इंट एल, डिक्लेयर कर दिया एल को भी। तो प्रिंट एफ में लिखूंगा लेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज डी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज एस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट एल में है, ठीक है, मतलब नंबर देगा, मतलब जैसे कोड है तो वो कितने कैरेक्टर है, 4, तो प्रिंट करेगा लेंथ इज परसेंटेज डी का यूज। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ, अब मेरे को पास करना पड़ेगा उसकी वैल्यू। तो एस को पास कर दिया और सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे चेक करना सेमी कॉलन लगा है कि नहीं लगा, नहीं तो गलत हो जाता है। तो गेट सी एच का भी यूज़ कर देता हूँ, स्क्रीन को होल्ड करने का नहीं, कोड ब्लॉक में जरूरत नहीं पड़ती, टर्बो सी प्लस में जरूरत पड़ती है। क्लियर स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं, सी एल आर एस आर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इसके बाद लिखो, नहीं तो पहले लिख दो। अब मैं रन करता हूँ इसको, बिल्ड एंड रन करके देखते कोई एरर ना आए, नहीं आएगी लग रहा है। तो यहाँ पे रन हो गया प्रोग्राम, तो यहाँ पे लिख रहा है कि एंटर योर नेम, मैं सबसे पहले अपना नाम लिख देता हूँ वामसी करके, तो वामसी आया। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, 5 प्रिंट हुआ, लेंथ इज 5, तो ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, 6421 करके आ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है।
एल में रख दिया, सॉरी यहाँ पे एल लिखना था, तो यहाँ पे एल लिखना था, हमने ये एस लिख दिया, तो मैं वापस रन कर देता हूँ। तो ऐसे एरर जब तक नहीं आता ना, पता नहीं चलता कि कहाँ पे एरर आ रहा है, तो मैं अपना नाम वापस लिख देता हूँ, वामसी कर, तो एंटर कर दिया। यहाँ पे देखा लेंथ इज 5 आ गया, VAMSI, तो इसका क्या है 5। तो ऐसे ही करते हैं, अगर मैं दूसरा कुछ नाम लेता हूँ, जैसे कि वापस रन करके दिखाता हूँ, आप चाहो तो इसको वाइल लूप से कर सकते हो, फॉर लूप से कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, मतलब जिसके आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़ती जाएगी। जैसे मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है, कोड लिखा, कोड का कितना लेंथ इज 4। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोड विद ट्रिक्स पूरा लिख सकते हो, वहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है, वहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है, कोड विद ट्रिक्स लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आ रहा है, मैं बताता हूँ कैसे, COD 4, उसके स्पेस 5, 5 हो गया, उसके बाद उसके विथ हो गया 4, 5 9 हो गया, उसके स्पेस 10 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ट्रिक्स 6 हो गया, टोटल हो गया 16। तो ऐसे स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे स्पेस को भी काउंट करता है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी भूल जाते हैं स्पेस को, तो यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बोलना मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।